पूछा पूछा जाऊं सवाल पूछे के बतौरा के। अरे पूछा पीहू के मम्मी जी, बहुत तोहरा के सवाल जवाब करे के रहा ना, तो करा। पीहू के पापा, हमरा के तो हमारा हर सवाल के जवाब मिल गए। जौन कुछ भी रोबर से पूछो चाहत रहनी हनु, तो सबका जवाब हमरा के मिल गए। सवाल का जवाब मिल गए? अरे हमरा सामने ना ये नाटक कैला का जरूरत नहीं है, जा गेल ना। अरे यही सवाल जवाब खातिर ना सबकर सामने अमरेंद्र तिवारी बोल ले रहा हा, और सबकर सामने हमार हाथ पकड़ के कमरा में लेके चलत रहा हा, यही खातिर ना हमरा के खींच के लिए उतर रहा हा। तो पूछा ना आप सवाल। पीहू के पापा, हम सच कहा था नहीं, हमरा के जवन जवाब चाहे के रहे नू वो हमरा के मिल गए। अरे जम रवा के हाथ पकड़ कर अंदर लावे के चाहत रहनी हा, तो सब क्यों हमरे खिलाफ रहे, लेकिन बस रहुआ रहुआ हमारे साथ आवे खातिर तैयार हो गई। पापा मम्मी के साथ चला जाना पापा, प्लीज पापा, प्लीज हमारा बात मान लेना पापा। यही से की पीहू जब रहुआ से कहलन हमरे संग जाए खातिर, रहुआ तैयार हो गई नहीं। और एकर मतलब तो यही बहलू कि जवन बेटी की रवा इतना डटनी इतना पीड़ा पहुंचेनी, उकरा एक बार पहले पर रवा हमरे संगाए खातिर तैयार हो गई। एकर मतलब ये भेल पीहू के पापा कि रवा पीहू से कभी नफरत नहीं खी कर सकत, और हम यही जवाब चाहत रहनी हा। पर हम यही समझ गए नहीं कि राउर दिल में पीहू खातिर तनको भी नफरत नहीं खे, और अगर नफरत करती तो रवा पीहू के कहला पे हमरा संग कब्बू आवे खातिर तैयार ना होते। और देखी ना रवा ऐनी भी था वो कमरा में, चवन कमरा में रवा हमरे और पीहू के संग राहत रहनी है। पीहू के पापा, ये सब देखला और समझला के बाद ही हमरा के हर सवाल के जवाब मिल गई। अरे हम तो ही कमरा से कब का निकल गए रहनी है। एक कमरा में तो रहुआ माते और नई की दुल्हन के संग रह रहल बानी, लेकिन जैसे ही रहुआ हमरा के एक कमरा में ले आनी है, हमरा लागल है कि जैसे अभी भी हमारी कमरा पे हक बा, और ऐसे ही रहुआ प्यार पे भी हमार हक बा। और कमरा के जैसे ही रुआ कैसे रात रात भर जाग के पीहू के ध्यान रखत रहनी है। अरे ओकर अगर तनको भी तकलीफ होत रहनु तो रुआ चोट लाइकन के निहन फूट फूट के रोवे लगत रहलन है। और फिर रुआ कैसे आंसू पोछे कात रहनी है कि अगर लोग दिखेन तो फिर कहियन कि हम कैसन दबंग बानी, कि अपन छोट सी बच्ची की रोवा देखकर हम रोवे लगनी है। कभू कभू तो रहुआ चाहे वो घर के लोग होके चाहे बाहर के लोग होके अगर पीहू के केहू मजाक में भी कुछ बोल देते रहलन तो रहुआ कैसे आग की तरह एकदम भड़क जात रहनी है। आखिर हमरा ये समझ में नहीं खे आवत कि अपन बेटी से की कदर प्यार करे वाला इंसान आज इतना कैसे बदल गईल बा। पीहू के पापा, हमरा तो आज यही सोच सोच के रुवाई आवत बा कि ऐसे कैसे रुवा इतना बदल गई नी, बताई ना हमरा के रवा के ऊपर केहू जैसे हमार और तुहार रल हा। अब कमरा में हर वो सामान फिर से लौट आईल बा जोन हमार और तोहार रहला, अभी कमरा हमार और तोहार रिश्ता के फिर से जिंदा कर देले बा। यही से अब तोहरा के जवाब देवे में भी बनी है। तोहार और हमार रिश्ता बारिश में पड़ल पटुआ नियन सड़ चुकल बा, अब वो पटुआ के छिलका नियन ही बास मार रहल बा, और अब पटुआ के दाढ़ी लेखा भी ये रिश्ता में कुछ रह नहीं खे गए। और जैसे पटुआ के सड़ल डाढ़ी फिर से खेत में लगा के ओके हरा भरा नहीं खेकल जा सकत, वैसे ही
ए रिश्ता के भी अब जिंदा ना कर सकेला क्यों? हमनी के रिश्ता हमेशा हमेशा खातिर खत्म हो गया। और मर चुकल रिश्ता के निशानी कमरा के बिना आज हम शमशान की तरफ बदल के रखते। तू देखा था बस, तू देखा था बस। तू जानल चाहत लू ना कि हम पीहू से इतना चिढ़त काहे बनी? ओकरा खातिर हमार दिल में अब प्यार काहे नहीं खे? चाहे ओकरा से हमार इतना नफरत काहे हो गेल बा? हम पीहू के रस्सी में बदली, रात भर रस्सी में बांध के ओके खड़ा कर ली, जूता चप्पल साफ करवैली उसे। हाँ करवैली हम, एक कुल करवैली हम। अरे कुल काहे करवैली पता बतवारा के? एक कुल ऐसे करवैली जब हम एक घर से बाहर गई ना, और जब गोदावरी से हम मिली तब हमारा के पता चलल कि हम इतना साल में का खोले रही तुम्हारा साथे। इस तिवारी परिवार में कलह का जड़ खाली तू बड़ू, खाली तू बड़ू, खाली तू बड़ू। ए परिवार में हमार सबसे झगड़ा हो गई, सबसे हमार भाई से, हमार भाइयन से झगड़ा हो गई। एकर वजह खाली तू भरू, तू। जब तक हमरा ऊपर तोहार ई प्यार का नशा रहल ना, हमरा के कुछ ना बुझात रहे। लेकिन जब तोहार प्यार रहल ना, ए प्यार का पट्टी जब हमार आंख से उतरल ना, तब हमरा के तोहार करनी नजर आई, समझ में आई तोहार करनी हमरा के। और जब से तोहार करनी हमारा के समझ में आयल बा ना, तोहरा से नफरत हो गेल बा, हमारा नफरत हो गेल बा, नफरत हो गेल बा, नफरत हो गेल बा। ये सिंदूर का जरिया बना के हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा था लोग, हैं? ये सिंदूर का जरिया बना के ना, सवाल के जवाब चाहत रहा लेना तोहरा के, हैं? तोहार एक एक सवाल का जवाब दे बाज हम, एक एक सवाल का देख लू ना। एगो सवाल का जवाब मिलल, मिलल ना, रुक अभी और ही सवाल का जवाब देते हैं तोहरा के। आप रंजन देवर जी को घर से मत निकालिए। रंजन देवर जी जो भी कुछ कहते हैं करते हैं वो सब बहन के लिए ही तो करते हैं। और देखिए ना, बहन ने ही तो पुलिस वालों के आने पर हमको घर के पीछे के दरवाजे से छुपके से अपने मायके भेज दिया था। पिताजी, रंजन देवर जी और बहन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप रंजन देवर जी को घर से मत निकालिए। जाइए थे, निकल जाइए घर से। दरवाजा खोलिए बहन। अमर जी दरवाजा खोलिए, हम गोदावरी बोल रहे हैं। इनको क्या हो गया है, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? दरवाजा खोलिए। अरे अमर खोल ले दरवाजा। अरे का हो गई बताई बस। कन्या दरवाजा खोलो ना। काहे नहीं को खोला? का भइल है सब? देखा सब कोई हमनी के बाहर खड़ा बानी जा। आरती भाभी रघुआ दरवाजा खोली, देखिए सब लोग बाहर खड़ा बा, दरवाजा खोली ना। भौजी रघुआ दरवाजा खोली, कहे कि सबके पता चल गई बा
कि रवा संगे जवन कुछ भी हो रहा बा गलत हो रहा बा। रवा खोली दरवाजा था, अब अगर हल निकालल जरूरी हो गई बा। ये लगले बोले रे रावे चुप हटा हटा हमरे कुछ करे पड़ी हटा तू लोग हटा हमार। अरे तारा सुनाई नहीं करना उसका, खोल दरवाजा। अगर तारा के सुनाई नहीं खेते तब मर पानी दरवाजा में एक लात की टूट गई। अरे ये अंदर का हो रहा बा, खोल दरवाजा। ये कन्या के नुआ इतना मन बढ़ गई बा कि हमारे बेटा बा किया इतना सहाता। अरे इकरा के नु दूध लेकर उठावना दिहल जाए सवेरे शाम तब ठीक रहती, चार थप्पड़ सवेरे चार थप्पड़ रात के तब इकर दवाई ठीक लगी। अरे हमारे बेटे के पगला के रख ले भी आई औरत। अरे खोल बेटा खोल। अरे घर में कौन ही भीगी लगा के रख ले भी औरत। रुक जाए ना, रुक जाए, पियो की किताब ना फाड़ी। सुनी ना, अगर रवो किताब फाड़ दे तो बड़े कैसे जाए। ना फाड़ी, हाथ जोड़ बात दे के मैं छोड़ दे, किताब छोड़ दे। अरे अंदर का हो रहा बा, अरे सुना नहीं कहता रा, खोल। ये तो बहन के चीखने की आवाज है। अरे वह भाई हा जौन बहुत पहले हो जाए के चाहत रहल हा। जवाब चाहत रहल हा ना इनके, तो मिल गई जवाब। एक ही धक्का में पैर टूट गई, सर फट गई इनकर, मिल गई जवाब इनके। अब रंगवानु हद पार कर रहल बनी। हाँ अंजन तुझा तरह दिमाग खराब हो गई बा। हाँ अरे जोन कैले है ना ओकर सजा तो इनके मिलवे करी, लेकिन अभी आरती भाभी के सब केहू संभाला। दिक्कत नहीं करे कि आरती भाभी के का हाल हो गई बा। हमको अगर पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो हम बहन के कहने पर भी कहीं नहीं जाते। अमर जी आप डॉक्टर साहब को फोन कीजिए, जल्दी जाइए। अरे हमारा नहीं है बुलाएगे डॉक्टर के, जेके बुलाएगे बाबू बुलावे। बुलाया ना डॉक्टर बुलाए। यहाँ तो सब कुछ तितर बितर हो गई बा। माई आरती भाभी को उठा के ले चल बाहर। हाजिर। रंजन आ जाओ ले चल मुकने के। रुकिए। रवा ही ना कह लिया तो रवा जोन हमार ऊपर हाथ उठे ले रही का वो गुनाह ना रहल, वो अपराध ना रहल। और ये बड़का भैया गलती से आरती दीदी पे इतनी सी मतलब इतनी सी खाली उंगली लग गई तो संगीन अपराध हो गए, उनकरा के जेल हो जाए तो कराओ जेल ना हुई पतिदेव। देखा जब घर में लड़ाई झगड़ा होखला मारपीट होखला तो जब वो मारपीट में वो लड़ाई झगड़ा में खून निकलावेला ना तो ओकरा के कहल जाला संगीन अपराध। और वो अपराध में 2 साल से लेके 7 साल तक के सजा भी हो सकत बा। तो तू कहल कहा चाहत लो कि हम आरती के तनिका धक्का का दे देली ओकरा खातिर तू हमरा के जेल भेजबा है। हम केवल और केवल तू दोनों जोन महान लोग बड़न हूँ तो दोनों लोग के ई बतावल चाहता नी कि घर में जवन कांड भइल हनो उ कांड से आरती भाभी के आवाज चल गई है, चल गई है, चल गई। और आरती भाभी अब कुछो बोल नहीं की पावत, केवल यह बतावल चाहता नी तू दोनों लोग के ओकरा खातिर हम माफी ना मांगा, तुहरा के जौन करे के हुई तो कर लिया। माफी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी। मतलब कि जौना चीज खातिर हम मना कर रहता नहीं ओकरा खातिर तो हमारा के मजबूर करबू। हाँ हम आपको मजबूर कर सकते, मजबूर कर सकते, मजबूर कर सकते इससे। ये मैरिज सर्टिफिकेट
हमारी शादी का है। ये बहन ने पुलिस को देकर आपको जेल तो नहीं भिजवाया है, लेकिन अगर आपने बहन से माफी नहीं मांगी तो हम आपको जेल जरूर भिजवा देंगे। अमर जी याद रखिए, हम अपनी बहन के जैसे नहीं हैं, और अगर आपने बहन से माफी नहीं मांगी तो हम ये पेपर्स पुलिस को दे देंगे। तो तू हमरा के आरती से माफी मंगवाए खातिर ब्लैकमेल कर रहल बड़ू। आपको जो कुछ समझना है आप समझ लीजिए, लेकिन हम अपनी बहन को न्याय दिलाकर रहेंगे। ये हमारा अपनी बहन के लिए कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए अमर जी, आपको हमारी बात माननी ही होगी, नहीं तो ये पेपर्स। बहन, जैसा सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ इनको ये बताने गए थे कि हम तो इनके जीवन में आज आए हैं, लेकिन हमसे पहले इनके माता पिता हैं और उसके बाद पहला हक आपका है। बहन, हमसे पहले इनके जीवन में आप आए हैं, अब ये हमारे भी पति हैं, लेकिन हमसे पहले ये आपके पति हैं बहन, और इस बात को दुनिया का कोई भी शास्त्र ज्ञान नहीं बदल सकता है। इन्होंने जो भी कुछ किया है आपके साथ बहन, उसके लिए हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं की दुलाइन, तू क्या कहता रू हो, तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे के एकदम शौक जगा ले बड़ू का। देख लो, जवन भाईल से भाईल, अब कबर खोद के घड़ल मुर्दा के निकाला कोनो फायदा नहीं है। अरे हमारे बेटा जान बुझ के कुल ना कहले हुई, अरे गलती से हो गए, लेकर का मतलब है करा कि हम समझावत रहनी है कि मरद की मुढ़े ना लागे के तो ना सास के बात के मानी, सास के बात तो सब क्योंकि कांटे लागेला। खुद तो काम केहू के करे के नहीं खे, और केहू दूसर भी कराता नू तो ओकरो कई घर में नहीं करे दी हल जा। जगत देवर जी और रंजन देवर जी, हम कभी भी किसी की कोई गलत बात नहीं मानते हैं, चाहे फिर वो पति हो, औलाद हो, या फिर परिवार का कोई भी सदस्य हो। मतलब सब क्यों अब गलत बात कर रहा बा, तू असन के बड़ू का हा? अगर तहार बात ना ईमानित हमार लड़का तो कैसे यहाँ आ जाए। अब तो आ गया हमार बेटा, अब क्या करो, गूंगी गुड़िया के देख के ऐसा खड़ा रहो और तो हम लोग के ताना सुनो। हा? मम्मी जी, हमको इस घर में आए हुए अब वक्त हो चुका है और हमने सबका व्यवहार देखा है, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि धक्का मुक्की हमारी बहन ने नहीं शुरू की होगी, अमर जी ने ही शुरुआत की होगी। और अमर जी ने जो हाल हमारी बहन का किया है उसके लिए हम अमर जी को कभी माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। नहीं बहन, कोई गंगा जी में खड़ा होकर भी कहेगा ना कि आपकी गलती है, तब भी हम नहीं मानेंगे और ना ही हम इन्हें माफ कर पाएंगे। अरे तू अपना माते श्री के समझावो के अमर के संगे ऐसा ना करे। बबुआ जी, कई समय बगा इसे में ये सब बात करे के, अरे कन्या तो बेचारी अभी बोलियो नहीं की पावत, कम से कम इनका हालत पर तो तरस खाई जा रहा हूँ सब। शांति, तुम चुप रहो, ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। माती, आपको याद है ना, आप 2 साल पहले मुझसे प्रसन्न होकर एक वरदान देना चाहती थी, जब सारी रात मैंने आपकी सेवा करी थी। अरे गोदावरी, तुम सोई नहीं, तुम रात भर मेरे पैर दबाती रही, जाकर सो जाती। माती, आपने आदेश दिया था पैर दबाने का और फिर आपकी आंख लग गई। जब तक आप आदेश नहीं देती
कि मैं पैर दबाना छोड़ दूं, तब तक मैं कैसे छोड़कर जा सकती थी? मतलब हमने तुमसे छोड़ने के लिए नहीं कहा तो तुम पूरी रात पैर दबाती रही? माती, ये तो एक रात की बात थी। अगर आप महीनों तक सोती रहती तो हम महीनों आपके पैर दबाते रहते, आपके आदेश का पालन करती। माती, आप भले ही हमारी बेटी हैं, लेकिन है तो एक देवी ही ना, और देवी के आदेश की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? गोदावरी, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हारी निष्ठा किसी तपस्या करने से कम नहीं है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। आज हम तुमसे बहुत खुश हुए। क्या मांगना चाहती हो? माते, हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? अब हमारी और कोई इच्छा नहीं है। गोदावरी, तुम मांगो, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। तुम दिल खोलकर सुख संपदा जो मांगोगी वो आज तुम्हें मिलेगा। ठीक है माते, अगर आप देना ही चाहती हैं, तो ये दीजिए कि समय आने पर हम ये वरदान आपसे मांग सकें। ठीक है, जब भी तुम्हें लगे मुझे याद दिलाकर तुम ये वरदान मांग सकती हो। ये माते का वचन है तुम्हें। हाँ, तो क्या कहना चाहती हो? बस आज वही वचन पूरा कर दो माते। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हमने वचन दिया है तो हम उसे पूरा भी करेंगे। माते, आप बस हमें यही वचन दीजिए कि आप बहन और इनके बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगी, और हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ हमें करने की आज्ञा देंगी। हमने तुमको वचन दिया था तो दिया था, और हम उसे पूरा भी करेंगे। अब 3 दिन तक जो कुछ भी करना है आरती और अमर के संग, कोई नहीं रोकेगा तुमको। हमको भी आराम करना है, इस आरती को उसके कमरे में पहुंचाओ। नहीं माती, अब 3 दिन तक बहन इसी कमरे में रहेंगी और हम खुद उनकी सेवा करेंगे। और हम कहाँ जाएं? माती, आप पीहू के साथ, जिस कमरे में पीहू के साथ बहन रहती है उसी कमरे में रहिएगा। माते, तुहारा के वचन देले बनी तो ऊ तुहार वचन निभाई, हम तुहारा के कोनो वचन लिखी देले, ऐसे अब ई कमरा में तब हम ना रहा। आपको इस कमरे में रहने की जरूरत भी नहीं है। आपकी पहली सजा यही है कि आप बाहर आंगन में कौन नया नाटक है? एक वो नाटक खत्म ना होला कि दूसरा शुरू हो जाला। तोहार तोहार हम ना रग रग से परिचित बनी एकदम। अब का कहूं बताई तोहरा के? बताई पीहू के पापा, रवा के तो आदत नहीं खे ना ऐसे सूते का बाहर, ऐसे हम एक तकिया लेके आलिया, ये कहूं ना? हमारा सामने हमदर्दी का नाटक कैला का जरूरत नहीं है तोहरा के। हम दूध पियत बच्चा नहीं खी कि हमारा के बुझेबे ना करी कि तू का सोचा तलू और का करत अलू। बुझा के तोरा के चले जाए।
अरे जाए कहो तो नहीं जाए चले। रुका रुका, अब हमरा के ना तो हार कौनो हमदर्दी दिखावला का जरूरत नहीं, जागे।